तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ GS कंपनी के रिफ्लेक्स हॉर्न के बारे में। ये चोंगा है जिसमें बीच में ग्लास रहता है, या कुछ लोग पाइप भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्स हॉर्न, और बहुत ही बढ़िया रहता है ये भी। और अप्रोक्सीमेटली आप इसको वाटरप्रूफ भी समझ सकते हैं, कहीं से पानी आने का लफड़ा नहीं रहेगा, स्पेशली सामने से। ये इसका हैंडल है जो कि बहुत ही हेवी है, बढ़िया एकदम मस्त मजबूत। और ये इसका पाइप जो बीच में लगेगा, फटाफट से मैं इसको खोल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ और क्या कुछ है इसके साथ में। दो ठो किनारे किनारे लगाने का एंगल जैसा है, बढ़िया है। ओके, ये लगाने का है। तो अब मैं इसको हैंडल से कनेक्ट कर दूंगा और पहले इसको यहाँ से बता देता हूँ आपको कैसे टाइट करना है। ये इसका ग्लास है और ये वाली जो नट है तीन टो, इसको खोलेंगे हम। जो किनारे किनारे के जो तीन नट है इसको खोलना है, उसके बाद हम इसको बैठा देंगे। पहले मैं हैंडल लगा लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर जब ग्लास लग जाएगा तो ये हैंडल लगाने में तकलीफ़ होगी। ये देखिए खांच बना हुआ है, बस आपको बैठाना है। अंदर से पहले नट डालने का है ऐसे खांच में, उसके बाद आपको ऊपर वाला लगाने का है जो कि बराबर उसमें बैठ जाएगा। पहले हैंडल लगाने का है, नहीं नहीं फिर तो वो ढक जाएगा, नहीं 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 ये लगेगा ही नहीं। तो पहले ये वाला जो दूसरा वाला है खांच, उसको बैठाने का है, हैंडल को उसके बाद लगाने का है। तो कुछ ऐसा दिया गया है, एकदम लॉक वाला सिस्टम है ये, तो बढ़िया है। वही कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे बैठाना है। तो एक तो मैंने बैठा दिया, अब दूसरा भी मैं लगा लेता हूँ। कुछ ऐसे लगेगा ये, तो जैसे ये बराबर साइज में आ जाए ये वॉशर, फिर यहाँ से इसको टाइट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे ही दूसरे साइड का भी आपको करना है। उसके बाद इसको खोलना है, इस नट को, तीनों नट को हमको खोलना है। उसके बाद हमको इसको अंदर साइड से ले जाना है, फिर उसको टाइट करना है। फटाफट से इसको भी खोल लेते हैं। तो ये लगभग खुल गया, और इसको अब जो चोंगे के अंदर साइड से ले जाना है और हमको मिलाना है कि इसका जो होल है वो मिल रहा है कि नहीं। तो मैं इसको मिला लिया, देखिए होल मिल गया। ये नट जो इसके साथ में दिया, ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आर पार हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो एक वॉशर लेके भी टाइट कर सकते हैं। तो किसी भी हार्डवेयर दुकान से एक वॉशर ले लीजिएगा तो आपका ये और भी मजबूती से टाइट हो जाएगा। तो ये मैंने टाइट कर दिया। इसके बाद हम जो इसमें यूनिट लगा के टेस्ट करेंगे, और मैं टेस्ट करूंगा आहूजा के AU40 यूनिट को, और फटाफट से इसकी वायरिंग कर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही इसमें से।